हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लू रिपोर्टेंट। सो आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम जानेंगे अबाउट द दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। उसमें आप 10th क्लास के बाद और 12th क्लास के बाद कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, मोड ऑफ एडमिशन क्या रहेगा, फीस कितनी होगी, सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, कितनी सीटें हैं, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, वो सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो द इंस्टीट्यूट फॉर द टुडे इज दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी एंड इट इज ए स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। 2020 से पहले जो दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, इसके जो कॉलेजेस हैं उनका एडमिशन होता था सीईटी के थ्रू, दैट इज फॉर द पॉलिटेक्निक, तो पॉलिटेक्निक नाम से जाना जाता था उन्हें। बाद में 2020 में जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्हें मिलाकर एक यूनिवर्सिटी फॉर्म कर दी जिसका नाम है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। सो पहले जो इसका नाम था वो हुआ करता था दिल्ली पॉलिटेक्निक, बाद में इसे मिला के बना दिया गया है यूनिवर्सिटी। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ये ऑफर करती है और वहां पर कैसे कैसे एडमिशन लिया जा सकता है। सो पहले हम देखेंगे अबाउट द वेरियस डिप्लोमा प्रोग्राम्स की यूनिवर्सिटी जो है वो कौन कौन से डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर करती है, सबसे पहले हम देखेंगे उसके बारे में। सो यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो प्लेसमेंट रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। टोटल जो ऑफर है वो 2,553 जो प्लेसमेंट्स है वो हुई थी यूनिवर्सिटी के थ्रू। और जो कंपनीज है, कंपनीज के नाम हम देख सकते हैं, मारुति है, बजाज मोटर्स, एलजी, सोनी, विप्रो, डेलॉयट, इंफोसिस, तो ये सब कंपनीज जो है प्लेसमेंट के थ्रू आती हैं प्लेसमेंट देने के लिए। इसके अलावा 94% ऑफ द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम द बीटेक गॉट कैंपस प्लेसमेंट। तो सबसे ज्यादा जो कैंपस प्लेसमेंट है वो जो बीटेक प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी का उसके थ्रू होती है, और उसमें 94% जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने एनरोल किया था प्लेसमेंट के लिए, उनमें से 94% लोगों को प्लेसमेंट मिल गई। इसके अलावा जो कंपनीज हैं जहां पर प्लेसमेंट होती है वो सब कंपनीज आप देख सकते हैं, दे आर द रिनाउंड कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें जो हाईएस्ट पैकेज है दैट इज ऑफर्ड इज 25 लाख, जो 25 लाख है इट वॉज द हाईएस्ट पैकेज दैट इज ऑफर्ड। सो प्लेसमेंट के रिकॉर्ड से जो यूनिवर्सिटी है इट इज क्वाइट गुड। नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सिटी जो है प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर करती है। सो जो यूनिवर्सिटी है इसमें काफी सारे कैंपसेस हैं और हर कैंपस में डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्राम्स है वो ऑफर किए जाते हैं। इसमें दो टाइप के प्रोग्राम चलते हैं, एक होता है फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम जो कि क्लास 10th जो पास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है। इसके अलावा एक डिप्लोमा प्रोग्राम होता है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए जो कि डी फार्मा का प्रोग्राम है, तो आगे जो डिटेल्स है इसकी वो देखेंगे। तो ये फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं वो हैं डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रोबोटिक्स एंड प्रोसेस ऑटोमेशन, डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग। सो ये टोटल 17 कोर्स हैं जहां पर 10th के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लिया जा सकता है। इसमें से जो कोर्स नंबर 14 है दैट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो फार्मेसी में जो एडमिशन है उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो अलग है। फार्मेसी में एडमिशन होता है आफ्टर क्लास 12th, सो 12th क्लास के बाद होता है फार्मेसी में एडमिशन। इसके अलावा जो बाकी के कोर्सेज हैं, जो 17 कोर्सेज में से कोर्सेज हैं उसमें जो एडमिशन है इट इज आफ्टर द 10th क्लास। इसके अलावा द यूनिवर्सिटी ऑल्सो ऑफर्स लेटरल एंट्री टू फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम। जो डिप्लोमा प्रोग्राम है उसमें अगर आप लेटरल एंट्री में जाना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑल्सो ऑफर्स द लेटरल एंट्री प्रोग्राम। लेटरल एंट्री होती है अगर आपने 12th क्लास पास कर ली है, तो 12th क्लास पास करने के बाद आपको जो डिप्लोमा है उसके सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। टोटल जो डिप्लोमा होता है वो 3 ईयर्स का होता है। अगर आप 10th क्लास के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं तो उसमें जो कोर्स है ड्यूरेशन वो रहता है 3 ईयर्स का, एंड आफ्टर द प्लस 2 जो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स है वो हो जाता है 2 ईयर्स का। सो लेटरल एंट्री के लिए जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं दैट इज डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टूल एंड डाई मेकिंग। सो ये टोटल 12 प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफर किए जाते हैं
अंडर द लेटरल एंट्री प्रोग्राम। सो हमारे पास 17 प्रोग्राम थे जो कि आप कर सकते हैं 10th के बाद, एक्सेप्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि 12th के बाद होता है। इसके अलावा लेटरल एंट्री में ये जो प्रोग्राम्स हैं, टोटल हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं वो है 12 प्रोग्राम्स जो कि आप कर सकते हैं आफ्टर द 12th। इसके अलावा द यूनिवर्सिटी ऑल्सो ऑफर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जो यूजी प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी वो भी ऑफर करते हैं, जिसमें बी ए बी एस सी इन एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी, बी ए इन डिजिटल मीडिया डिजाइन, बी ए इन स्पेनिश, बी बी ए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, BBA फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट, BBA रिटेल, BBA ऑटोमोटिव रिटेल मैनेजमेंट, BBA ऑपरेशन एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, BBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट, BBA इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। इसके अलावा BSc MLT, BSc एमरजेंसी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी, BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BSc डेटा एनालिटिक्स, BMS ई कॉमर्स ऑपरेशन, BMS लैंड ट्रांसपोर्टेशन, BCA बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री, लाइब्रेरी साइंसेस, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये सारे बैचलर्स प्रोग्राम है। सो देयर आर टोटल 24 बैचलर्स प्रोग्राम जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जो वीडियो है वो अलग से बनेगा। फिलहाल हम फोकस करेंगे जो डिप्लोमा प्रोग्राम है हमारे पास, तो डिप्लोमा प्रोग्राम की जो फुल डिटेल है वो इस वीडियो में देखेंगे। जो बैचलर्स प्रोग्राम है, बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जो वीडियो है वो अलग से बनेगा। तो आप चैनल से सब्सक्राइब कर लें जो आगे की वीडियो है और जो आगे की इन्फॉर्मेशन है उसको देखने के लिए। सो अभी जो हम डिटेल देखेंगे इट इज अबाउट द बैचलर प्रोग्राम। सो सबसे पहला जो प्रोग्राम आता है दैट इज अप्लाइड आर्ट्स, तो इसमें जो इसकी डिटेल्स है वो पढ़ सकते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम वायबल ऑप्शन फॉर द फ्यूचर आर एकेडमिक्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एंड मीडिया हाउसेस। मीन्स इस कोर्स को करने के बाद आप या तो अकेडमिक्स में जा सकते हैं या जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है वहां उनके साथ काम कर सकते हैं, मीडिया हाउसेज है वहां उनके साथ काम कर सकते हैं। इन द पब्लिशिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यू विल बी एबल टू वर्क इन क्रिएटिव डिविजन ऑन प्रिंट एंड ऑनलाइन मीडिया, ग्राफिक्स एंड आइकन्स। सो ये जॉब के प्लेसेस है, आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो कि इस प्रोग्राम को ऑफर करते हैं? पहला जो इंस्टीट्यूट है दैट इज मीराबाई डेसू कैंपस, और जो सेकेंड इंस्टीट्यूट है वो है डेसू कैंपस मयूर विहार। जो टोटल इसमें सीट्स हैं वो 75 हैं और टोटल ड्यूरेशन है वो है 3 ईयर का कोर्स। तो इस प्रोग्राम के लिए जो टोटल सीट्स हो जाती हैं वो है 150। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम अप्लाइड आर्ट्स। सेकंड प्रोग्राम है आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर नाम से पता चल रहा है कि इसमें आप जो बिल्डिंग्स का डिजाइन वगैरह है उसको बारे में डिटेल्स जो है वो सीखेंगे। सो यू कैन वर्क इन गवर्नमेंट projects for working in a private organization, opportunities for you to be plenty. You will be well equipped to do architectural project and architectural offices. Architecture में जो institute हैं offer करते हैं courses वो हैं दो, first is the Aryabhatt and second was the Mirabai. Aryabhatt में 75 seats हैं और Mirabai में 75 seats हैं। Total जो duration है course का वो रहता है 3 year. जो Mirabai campus है it is only for the girls. यहाँ पर जो double star लगा हुआ है तो इट इज ओनली फॉर द गर्ल्स। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सो आजकल का जो जमाना है वो AI का है। सो इसमें 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में। कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये? द्वारका कैंपस में है और रजोगरी कैंपस में है। टोटल जो सीट्स है वो 75 सीट्स है इसमें। नेक्स्ट आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसमें कैरियर ऑप्शंस है। कैरियर ऑप्शंस के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो आप पढ़ सकते हैं। सो यू हैव जॉब अपॉर्चुनिटीज एज ऑटोमोबाइल इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, मटेरियल स्पेशलिस्ट, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, सेफ्टी इंजीनियर, एमिशन रिसर्चर, NVH इंजीनियर एंड परफॉर्मेंस इंजीनियर एक्सेट्रा। तो ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन दे रखा है थोड़ा सा कि आप कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। जो कैंपसेस है जो ऑफर करते हैं ये कोर्स वो है, फर्स्ट इज द जीवी पंत जो ओखला में है, दूसरा है पूसा कैंपस डेसू का। टोटल जो सीट्स हैं इसमें 75 सीट्स हैं ईच और 3 ईयर कोर्स का ड्यूरेशन है। नेक्स्ट आता है केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग जो है ये सिर्फ एक ही कैंपस में अवेलेबल है, दैट इज गुरु नानक डेसू कैंपस जो कि रोहिणी में है। टोटल जो सीट्स हैं वो 150 हैं और 3 ईयर का कोर्स है। नेक्स्ट आता है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग जो है वो आरिफा डेसू कैंपस जो अशोक विहार में है, जेबी कैंपस जो कि ओखला में है, डेसू पूसा, इसके अलावा कस्तूरबा डेसू कैंपस जो कि पीतमपुरा में है।
जो कस्तूरबा कैंपस है इट इज ओनली फॉर द गर्ल्स कैंडिडेट। जो टोटल सीट्स हैं उनका जो ब्रेकअप है इंस्टीट्यूट वाइज वो देख सकते हैं। और 3 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है। जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें जो टोटल सीट्स है वो है 600। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के लिए जो इंस्टीट्यूट हैं दैट इज अम्बेडकर कैंपस शकरपुर में, गुरु नानक देव कैंपस रोहिणी में कस्तूरबा, इसके अलावा डेसु कैंपस द्वारका, डेसु रजोगरी कैंपस मीराबाई कैंपस महारानी बाग और डेसु रनोला कैंपस। इतने कैंपसेस हैं जो कि ये कोर्सेज ऑफर करते हैं। और जो सीट वाइज ब्रेकअप है वो आप देख सकते हैं किस इंस्टीट्यूट में कितनी कितनी सीटें हैं। जो टोटल सीट्स है कंप्यूटर साइंस के लिए वो हमारे पास 975 और जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स है। नेक्स्ट आता है कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ। सो ये जो कोर्स है इट इज ऑफर्ड बाय द मीराबाई इंस्टीट्यूट। टोटल जो सीट्स है वो 75 है, 3 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है। इस कोर्स को करने के बाद यू कुड बी ए सैलून आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, ए हेल्थ एडवाइजर और मोर। आप किसी के अंदर भी काम कर सकते हैं या आप जो अपना काम है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूट का नाम ही है स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। तो ये आपको ऐसी स्किल सिखाएगा जिसके बाद आप सेल्फ सफिशियंट हो जाएंगे, जॉब के लिए आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, आप खुद भी अपना को स्टार्टअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो इंस्टीट्यूट है जो ऑफर कर रहे हैं कोर्स वो है आर्यभट्ट अशोक विहार कैंपस, जेबी पंत ओखला, गुरु नानक डेसु और डेसु पूसा कैंपस। सो टोटल जो सीट ब्रेकअप है वो आप देख सकते हैं किस इंस्टीट्यूट में कितनी कितनी सीटें हैं। 3 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन, टोटल जो सीट्स हैं दैट इज 5 to 5। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो इंस्टीट्यूट हैं ऑफर कर रहे हैं वो हैं अम्बेडकर, गुरु नानक, कस्तूरबा, मीराबाई और डेसु पूसा कैंपस। जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 712, 3 ईयर्स का कोर्स ड्यूरेशन है। इंस्टीट्यूट वाइज जो सीट ब्रेकअप है वो आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है फैशन डिजाइन गारमेंट टेक्नोलॉजी। दो इंस्टीट्यूट है जो कि फैशन डिजाइन गारमेंट्स ऑफर कर रहे हैं। फर्स्ट इज द आर्यभट्ट एंड सेकेंड इज द कस्तूरबा। टोटल जो सीट ब्रेकअप है वो देख सकते हैं, 3 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है। नेक्स्ट आता है कोर्स इंटीरियर डिजाइन का। तो इंटीरियर डिजाइन में आर्यभट्ट कैंपस, मीराबाई कैंपस, 75 सीट्स ईच। नेक्स्ट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ऑफर कर रहे हैं आर्यभट्ट कैंपस, जीवी पंत कैंपस, डेसु ओखला कैंपस, डेसु पूसा कैंपस, गुरु नानक देव कैंपस एंड डेसु वजीरपुर कैंपस। जो इंस्टीट्यूट वाइज सीट ब्रेकअप है वो आप इसमें देख सकते हैं किस इंस्टीट्यूट में कितनी कितनी सीटें हैं। टोटल जो सीट्स हैं टोटल सीट्स इज 975, कोर्स ड्यूरेशन इज 3 ईयर। नेक्स्ट आता है फार्मेसी। फार्मेसी जो है 2 साल का है और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है आफ्टर 12th। फार्मेसी में आप एडमिशन आफ्टर 12th ही ले सकते हैं और इसमें या तो आपके पास पीसीएम हो या पीसीबी हो, दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोर्स के लिए। बाकी जो कोर्स देखा है ना डिप्लोमा वो आप 10th क्लास के बाद एडमिशन ले सकते हैं उसमें, मगर फार्मेसी में एडमिशन के लिए आपको एटलीस्ट 12th चाहिए विद द साइंस स्ट्रीम। दो इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के जो कि ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं। फर्स्ट इज द मीराबाई जो कि ओनली फॉर गर्ल्स है, इसमें टोटल सीट जो है 75 है। नेक्स्ट इज डेसु द्वारका कैंपस जिसमें जो टोटल सीट है वो 75 है। 2 साल का कोर्स ड्यूरेशन है। इस कोर्स को करने के बाद यू कैन रन योर ओन शॉप और बिकम ए फार्मासिस्ट, ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, पैथोलॉजिस्ट और यू कैन परस्यू हायर एजुकेशन इन फार्मेसी। सो गवर्नमेंट के 2 इंस्टीट्यूट है जो कि कोर्सेज ऑफर करते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं जो फार्मेसी का कोर्स ऑफर करते हैं। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो कि फार्मेसी ऑफर करते हैं वो फर्स्ट इंस्टीट्यूट है उसमें से बाबा हरिदास कॉलेज ऑफ फार्मेसी। इसके अलावा आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, सुब्रमण्या इंस्टीट्यूट है, ये सब जो इंस्टीट्यूट है ये फार्मेसी ऑफर करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। सो जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है इट इज ओनली अवेलेबल एट द पूसा कैंपस। टोटल सीट 75 है, 3 ईयर्स का ड्यूरेशन है। नेक्स्ट आता है रोबोटिक्स एंड प्रोसेस ऑटोमेशन एंड इट इज अवेलेबल एट द जीवी पंत। टोटल सीट 75 है, 3 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है। नेक्स्ट कोर्स आता है टूल एंड डाई मेकिंग एंड इट इज अवेलेबल एट द वजीरपुर कैंपस। 150 सीटें हैं इसमें, 3 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसु मीराबाई कैंपस एंड कस्तूरबा डेसु पीतमपुरा कैंपस ऑफर्स प्रोग्राम ओनली फॉर वुमेन। सो दे आर ओनली वुमेन ओनली कैंपसेस। तो मीराबाई दूसरा कस्तूरबा, यहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं दे आर ओनली अवेलेबल फॉर द गर्ल्स। बाकी जो इंस्टीट्यूट हैं वो कोविड है
उसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है। सो ये हमारे पास कोर्सेज थे और कितनी कितनी सीटें हैं वो हैं। नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन क्राइटेरिया फॉर मेरिट फॉर एडमिशन टू द डिप्लोमा प्रोग्राम। सो एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या होनी चाहिए। सो ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट से इलेवेंथ ये जो प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्रिंटिंग, रोबोटिक्स एंड प्रोसेस ऑटोमेशन टूल एंड डाई। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो एटलीस्ट आपको 10th क्लास पास होना चाहिए। और इसमें जो सीईटी होगा उस सीईटी के बेस पे जो सीईटी में मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो रैंक बनेगी उस रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्शन होगा। इसके अलावा जो नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा है लाइक डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स, आर्किटेक्चर, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, फैशन डिजाइन एंड इंटीरियर डिजाइन, तो जो नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा है उसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है और इसमें भी सीईटी होगा और सीईटी के थ्रू रैंक बनेगी, उसके थ्रू एडमिशन होंगे। सो दो टाइप के डिप्लोमा प्रोग्राम्स यहाँ पर हो गए। फर्स्ट इज द इंजीनियरिंग डिप्लोमा, सेकंड इज द नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है इसमें वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी बताया आपको कि आपको साइंस के साथ मीन्स पीसीबी या पीसीएम के साथ 12th क्लास पास होना चाहिए और जो सिलेक्शन है वो होगा सीईटी के थ्रू। इसके अलावा जो हमने देखे थे प्रोग्राम्स लेटरल एंट्री में, सो लेटरल एंट्री में क्या होता है कि अगर आपने 12th पास की है और आप डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट जो है सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। सो जो प्रोग्राम्स की लिस्ट है वो आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। सो इसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो क्या है कि द स्टूडेंट मस्ट हैव पास क्लास 12th और इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स और टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, मीन्स आपके पास पीसीएम होना चाहिए और जो सिलेक्शन है वो होगा एज पर द सीईटी। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने 10th क्लास पास किया है और 2 साल का आईटीआई किया है उसके बाद वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जो लिस्ट है प्रोग्राम्स के टोटल 12 प्रोग्राम्स हैं, या वीडियो पॉज करके डिटेल से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जिन्होंने आईटीआई किया है उनके लिए है, वो उसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। लिस्ट ऑफ ट्रेड्स एलिजिबल फॉर लेटरल एंट्री डिप्लोमा। सो लेटरल एंट्री के लिए लाइक अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और टूल एंड डाई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आपने अपना आईटीआई इन ट्रेड्स के अंदर किया है तो वही लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो एप्लीकेबल ट्रेड्स हैं वो ये रहे, सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो एप्लीकेबल ट्रेड्स हैं वो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए जो एप्लीकेबल ट्रेड्स हैं वो ये पढ़ सकते हैं आप। कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल ट्रेड्स की लिस्ट ये है। नेक्स्ट आते हैं एडमिशन कैसे होगा। सो जो एडमिशन होगा वो होगा सीईटी के थ्रू, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे जो एडमिशन है वो होगा। सो जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। हर सेक्शन में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सो टोटल जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो है 60 क्वेश्चन। टोटल जो मार्क्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे 120। 20 क्वेश्चन हर सेक्शन में होते हैं। तो सिलेबस क्या रहेगा, सो सेक्शन ए में जो जीके है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब आप डिटेल से पढ़ सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी। इसके अलावा जो सेक्शन ए में क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन किस किस फील्ड से आएंगे, सो वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसे आप डिटेल से पढ़ भी सकते हैं। एंड इट इज फॉर द डिप्लोमा प्रोग्राम दैट इज ऑफर्ड आफ्टर द 10th क्लास। जो 12th क्लास के बाद होता है वो जो फार्मेसी कोर्स है, फार्मेसी में जो सीईटी है वो अलग होगा, उसमें जो लेवल रहेगा वो क्लास 12th का लेवल रहेगा। अभी जो हम देख रहे हैं दैट इज फॉर द डिप्लोमा प्रोग्राम्स दैट इज ऑफर्ड आफ्टर क्लास 10th। जो सेक्शन बी रहेगा पेपर का, सेक्शन बी में जो सब्जेक्ट्स हैं वो ये रहे, मेथड्स कम्युनिकेशन, प्रोसेस एलिमेंट, वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब चीजें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं डिटेल में। जो सेक्शन सी रहेगा वो रहेगा साइंस एंड मैथमेटिक्स का। सो 10th क्लास तक की जो मैथमेटिक्स है और 10th क्लास तक की जो साइंस है उसके बेस पे इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑल द एमसीक्यू विल बी अप टू द लेवल ऑफ क्लास 10th। नेक्स्ट आता है अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो फार्मेसी के लिए भी सीईटी होगा, मगर उसमें जो लेवल होगा वो क्लास 12th का होगा। उसमें भी 3 सेक्शन होंगे। जो सेक्शन सी होगा वो आपका होगा क्लास 12th का जो आपने पढ़े हैं सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सेक्शन सी तो होगा आपका कोर सब्जेक्ट का। इसके अलावा जो सेक्शन 1 है जनरल नॉलेज का, उसमें आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंडर क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी जो होगा वो होगा कम्युनिकेशन स्किल्स का और किस किस
टॉपिक के अंदर क्वेश्चन पूछ जाएंगे, वो आप देख सकते हैं डिटेल में। सेक्शन सी जो होगा दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो क्लास 12 है उसके लेवल का आएगा। थर्ड जो डिप्लोमा प्रोग्राम है वो है लेटरल एंट्री का। सो अगर आप लेटरल एंट्री मीन्स क्लास 12 के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना है। उसमें जो सिलेबस रहेगा उसमें भी तीन सेक्शन होंगे एग्जाम में। तो सेक्शन ए में है जनरल नॉलेज, ये आप पढ़ सकते हैं उसमें क्या क्या आएगा। सेक्शन बी रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स का, किस किस टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप देख सकते हैं इसमें। सेक्शन सी रहेगा साइंस एंड बेसिक मैथमेटिक्स का, और जो एमसीक्यू रहेंगे इट इज अप टू द लेवल ऑफ क्लास 10th। मींस टोटल हमारे पास इसमें तीन कोर्सेज हुए, पहला डिप्लोमा जो कि 10th क्लास के बाद ऑफर किया जा रहा है, दूसरा डिप्लोमा जो कि 12th क्लास के बाद ऑफर किया जा रहा है, और इसमें दो आते हैं, एक आता है फार्मेसी और दूसरे आते हैं अदर डिप्लोमा दैट कम्स अंडर लेटरल एंट्री स्कीम। सो 10th क्लास के बाद जो डिप्लोमा है उसका ड्यूरेशन रहेगा 3 ईयर, और उसके लिए सीटी अलग होगा। तीन सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। उसमें जो सिलेबस है वो क्या क्या रहेगा अभी हमने देखा। इसके अलावा जो डिप्लोमा 12th क्लास के बाद होगा उसमें फार्मेसी है जो कि 2 ईयर ड्यूरेशन है, इसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा क्लास 12th के लेवल पे। इसके अलावा जो लेटरल एंट्री के प्रोग्राम्स हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज या नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज में, उसमें जो लेवल रहेगा वो 10th क्लास का लेवल रहेगा। अगर आपने 12th पास की है और आप लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो इसके थ्रू जा सकते हैं, फार्मेसी में जाना चाहते हैं तो इस वाले एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। सो टोटल तीन टाइप के सीईटी हैं यहाँ पर। जो मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रायोरिटी, मीन्स जो सेक्शन सी था तीनों सीईटी का, चाहे वो नॉर्मल डिप्लोमा प्रोग्राम्स हो क्लास 10th के लेवल के, या फार्मेसी हो डिप्लोमा, या डिप्लोमा हो लेटरल एंट्री, तीनों में जो सेक्शन सी था वो था आपके कोर सब्जेक्ट्स का। सो जो मेरिट लिस्ट बनेगी जिसके सेक्शन सी में सबसे ज्यादा नंबर आए उसको रखा जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी पे, देन सेक्शन बी के नंबर, देन सेक्शन ए के नंबर, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये रहेगा प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर मेकिंग द मेरिट लिस्ट। सो आपके जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उसमें तो आपको अच्छा स्कोर करना ही करना है, इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सीट्स हैं वो टोटल उसमें से जो 85% सीट्स हैं, 85% सीट्स हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना जो क्लास 10th है या 12th है वो पास किया है दिल्ली से। तो जिन लोगों ने दिल्ली से पास किया है 85% सीट्स उनके लिए हैं। जैसे हर स्टेट का अपना कोटा होता है, तो दिल्ली में भी जितने स्कूल्स हैं अगर आपने वहां से क्लास 10th या 12th पास किया तो 85% ऐसे लोगों को लिया जाएगा। इसके अलावा जो 15% है वो है आउटसाइड दिल्ली कोटा। एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने NIOS और पत्राचार या कॉरेस्पॉन्डेंस से 10th क्लास या 12th क्लास पास की है तो भी आप इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। शर्त क्या है कि वो जो आपका सेंटर है NIOS का या पत्राचार का जो सेंटर है वो दिल्ली में होना चाहिए। तो अगर सेंटर दिल्ली में है तो आप 85% के अंडर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके NIOS और पत्राचार के सेंटर दिल्ली के बाहर है तो उस केस में आप 15% जो कोटा है उसमें आएंगे। जो रिजर्वेशन इट इज एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, एससी कैटेगरी के लिए 15% रिजर्वेशन है, एससी कैटेगरी के लिए 7.5% रिजर्वेशन है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% रिजर्वेशन है, एंड इट इज फॉर द ओबीसी एनसीएल दैट इज नॉन क्रीमी लेयर। सो अगर आपके पास ओबीसी है सो यू शुड बी इन द नॉन क्रीमी लेयर, और आपके पास एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। जो डेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम जब फॉर्म निकलता है पर्टिकुलर ईयर का तो उसमें डेट मेंशन होती है कि जो एनसीएल है उसकी डेट क्या होती है। सो एनसीएल जो है आपका उस पर्टिकुलर डेट के अंडर ही होना चाहिए। सो जिस भी ईयर के लिए आप एडमिशन ले रहे हैं तो एक फ्रेश एनसीएल जो है वो बनवा लें उस ईयर का, ताकि आपको जो परेशानी है वो ना हो। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए भी जो 10% का रिजर्वेशन है वो अवेलेबल है यहाँ पर। डिफेंस पर्सनल के भी रिजर्वेशन अवेलेबल है, वो आप पढ़ सकते हैं डिटेल में वीडियो पॉज करके। 5% सीट्स आर रिजर्व फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज। सो ये था रिजर्वेशन। प्रोस्पेक्टस अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके और जो प्रोस्पेक्टस है उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी इसमें कोटा है। नेक्स्ट आता है सीट मैट्रिक्स फॉर द फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेस हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं, कितनी सीटें हैं दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए, कितनी सीटें हैं और आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीटें हैं। तो जैसे जो पहला प्रोग्राम है अप्लाइड आर्ट्स का, वो कहाँ का ऑफर किया जाता है, मीराबाई कैंपस में और एच जे बाबा सेंटर में। टोटल सीट 75 है,
दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 64 सीट्स हैं और आउटसाइड दिल्ली के लिए 11 सीट्स हैं। इसके अलावा आर्किटेक्चर कहाँ ऑफर किया जाता है, AI एंड ML कहाँ ऑफर किया जाता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। सो जो कैंपस इन कोर्सेज को ऑफर करते हैं कितनी कितनी सीट्स हैं वो आप इसमें डिटेल में देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइन एंड गार्मेंट टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड प्रोसेस ऑटोमेशन, टूल एंड डाई, फार्मेसी। सो ये इंस्टीट्यूट की लिस्ट है, कितनी कितनी सीटें ऑफर है वहां पर और दिल्ली के लिए कितनी सीटें हैं, आउटसाइड दिल्ली के लिए कितनी सीटें हैं, वो सब आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। लेटरल एंट्री प्रोग्राम जो है इट इज ओनली फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ द दिल्ली रीजन। सो जिन्होंने दिल्ली से पास किया है लेटरल एंट्री में से वही एडमिशन ले सकते हैं, आउटसाइड दिल्ली वाले जो कैंडिडेट्स हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग एडमिशन इन द लेटरल एंट्री प्रोग्राम टू द फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेस। कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं? सो अप्लाइड आर्ट्स के लिए मीराबाई और एच.जे. भाभा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए जी.बी. पंत और पूसा कैंपस, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए गुरु नानक, सिविल के लिए आर्यभट्ट और जी.बी. पंत और डीएसयू कैंपस पूसा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कितनी कितनी सीटें ऑफर की जाती हैं हर इंस्टीट्यूट में अंडर द लेटरल एंट्री स्कीम, वो आप इसको डिटेल में वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग, टूल एंड डाई मेकिंग, सब प्रोग्राम है विच इज ऑफर्ड अंडर द लेटरल एंट्री स्कीम। कैंपस और कोर्स वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर द फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम। सो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि किस किस कैंपस के अंदर कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं और कितनी कितनी सीटें हैं। तो ये मैट्रिक्स बना के दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स फॉर द लेटरल एंट्री प्रोग्राम दैट इज ओनली फॉर द दिल्ली कैंडिडेट रीजन ओनली, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके लेना चाहें तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो लेटरल एंट्री के लिए जो टोटल सीट्स हैं वो है 428 सीट्स। लेटरल एंट्री में टोटल सीट्स हैं 428। इसके अलावा जो नॉर्मल डिप्लोमा प्रोग्राम है जो कि 10th क्लास के बाद ऑफर किया जाता है उसमें जो टोटल सीट्स हैं वो हैं 5,362 सीट, 5,362 सीट्स हैं अंडर द डिप्लोमा दैट इज ऑफर्ड आफ्टर द क्लास 10th। और क्लास 12th के बाद जो डिप्लोमा ऑफर किया जा रहा है इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों को मिलाकर टोटल 428 सीट्स उसमें है। इसके अलावा जो बच गया वो है फार्मेसी, तो फार्मेसी में टोटल सीट्स हैं 150, दो इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं उसे मीराबाई और डीएसयू कैंपस द्वारका। जो फीस है 10th क्लास के बाद जो डिप्लोमा है वो 3 साल का होता है तो जो है फीस है वो है 15,750, 17,000 और 19,000, ये रहेगी आपकी फीस टोटल ईयर वाइज। इसके अलावा अगर हम बात करें लेटरल एंट्री फुल टाइम डिप्लोमा तो उसके लिए जो फीस है वो है हमारे पास फर्स्ट ईयर तो होगा ही नहीं उसमें क्योंकि एडमिशन ही डायरेक्ट सेकेंड ईयर में मिल रहा है, तो जो लेटरल एंट्री से आ रहे हैं उनको सबसे पहले पे करना है 16,500 और अपने सेकेंड ईयर में उनको पे करना है 18,000 रुपये, क्योंकि 2 साल का कोर्स है तो पहली बार पे करेंगे वो 16,500 और दूसरी बार पे करेंगे 18,000। इसके अलावा जो लोग 10th क्लास के बाद ले रहे हैं पहली बार वो पे करेंगे 15,750, दूसरी बार पे करेंगे 17,000 और तीसरी बार पे करेंगे 19,000। जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए कुछ कंसेशन है, सो वो आप देख सकते हैं कितना कितना कंसेशन है और कितनी फीस उनको पे करनी है। स्कॉलरशिप जो टाइम टू टाइम है वो वेबसाइट पे या दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पे अपडेट की हो जाती है, सो आप वहां देख सकते हैं। इसके अलावा जो कॉलेज का नोटिस बोर्ड है नोटिस बोर्ड पे भी जो स्कॉलरशिप है उसकी डिटेल्स आ जाती है। इसके अलावा जो इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है फॉर द ST/ST और PWD कैंडिडेट की एडमिशन 20% रिपीट इज गिवन इन द ट्यूशन फीस। सो आपने देखा कि जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए फीस है वो कम है तो रिपीट जो है पहले अप्लाई कर दी है। सो दिस इज अबाउट द कोर्सेज दैट इज ऑफर्ड बाय द दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी अंडर द फुल टाइम डिप्लोमा रिजीम। सो अगर आप 10th क्लास के बाद कोई स्किल कोर्स करना चाहते हैं सो ये जो डिप्लोमा हमने देखे ये डिप्लोमा प्रोग्राम से आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा क्लास 12th के बाद अगर आप डिप्लोमा ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12th के बाद भी ले सकते हैं, 2 साल का ड्यूरेशन रहेगा इसका। अगर आप फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं
आप दो इंस्टीट्यूट जो फार्मेसी के हैं वहां पर एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर क्लास 12। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग। सो सबसे पहले आपको साइट पे विजिट करके लॉगिन करना है। जो रजिस्ट्रेशन की फीस और काउंसलिंग की फीस रहेगी वो है 900 रुपए। तो टोटल फीस आपको 900 रुपीज पे करनी है काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोग्राम बाय सबमिटिंग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग फीस। मीन्स अगर आपको एक से ज्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपको एक से ज्यादा बार रजिस्टर करना पड़ेगा। लाइक जो फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम है अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लेटरल एंट्री में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप फार्मेसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। सो इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं डिटेल। फॉर्म फिल करते समय आपको अपनी पूरी डिटेल, सिग्नेचर, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब चीजें अपलोड करनी है। इसके अलावा जो मार्कशीट है क्लास 10, 12 वो सब चीजें, रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट, वो सब चीजें अपलोड करनी होती है। वीडियो पॉज करके आप डिटेल में देख सकते हैं इसको। सो टाइप्स ऑफ प्रोग्राम है दो है, एक तो फुल टाइम डिप्लोमा, दूसरा लेटरल एंट्री। सो लेटरल एंट्री जो है वो क्लास 12 के बाद, और फुल टाइम डिप्लोमा जो है क्लास 10 के बाद। रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फीस है वो है 900 रुपीज जो ऑनलाइन पे होगी। इसके अलावा जो बात एक ध्यान रखनी है, अगर पेमेंट का फेलियर हो गया सो यू हैव टू पे द फीस अगेन। अगर आपकी पेमेंट फेल कर जाती है, पेमेंट नहीं हो पाती है, तो आपको जो फीस है वो दोबारा से पे करनी पड़ेगी। और जो आपका पेमेंट फेलियर हुआ है उसकी जो फुल डिटेल है वो आप जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहां पर मेल कर सकते हैं विद ईमेल आईडी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, ये सब डिटेल से आप मेल कर सकते हैं ताकि जो रिफंड है वो आ सके। मगर अगर आपका एक बार फेल हो चुका है एडमिशन फीस, तो आपको रजिस्ट्रेशन जो है फीस दोबारा पे करनी है। फाइनली जो भी आपने पूरा प्रोसेस किया उसका आप एक प्रिंटआउट ले लेंगे, उसको फ्यूचर प्रोसेस के लिए रख लेंगे। जब एग्जाम होगा उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका एडमिशन अकॉर्डिंग टू योर रैंक अलग अलग इंस्टीट्यूट में होगा। रिजल्ट आने के बाद आपको करनी होती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के लिए आप कितने भी इंस्टीट्यूट जो है उसको अपनी चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। आपको अपने जो पोर्टल है पोर्टल पर लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आप चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने इंस्टीट्यूट चाहे उतने चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। जो प्रिस्क्राइब डेट है उस टाइम तक आप चॉइस फिलिंग को एडिट भी कर सकते हैं। आपको कोई कोर्स जो है उसको प्रेफरेंस में ऊपर भेजना है या प्रेफरेंस नीचे लाना है वो आप एडिट कर सकते हैं जो डेट दी जाती है प्रिस्क्राइब उसमें। इसके अलावा लॉकिंग ऑफ चॉइस होती है। फाइनली जो है रिजल्ट वो आता है, तो रिजल्ट के बाद जो सीट अलॉटमेंट है वो आ जाता है। जो अलॉटेड सीट है आपको उस अलॉटेड सीट के लिए पेमेंट करना है। जो पेमेंट जो है वो दो पार्ट में होगा, और जो है पार्ट पेमेंट है एक होगा फर्स्ट पार्ट में, एक होगा सेकंड पार्ट में। तो जो फुल टाइम डिप्लोमा है उसके लिए पार्ट पेमेंट है 7,875 रुपीज, और जो लेटरल एंट्री है उसके लिए जो पार्ट पेमेंट है वो है 7,875 रुपीज। सो पहली पहली बार आपको इतना पे करना है। इसके अलावा जब आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे फाइनल एडमिशन के लिए, सो जो बचा हुआ पेमेंट है वो उस टाइम पे करना होगा। बाकी जो इंस्टीट्यूट आपको अलर्ट हुआ है वहां पर विजिट करके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सब चीजें होंगी। अगर आप किसी कास्ट पर्टिकुलर से बिलोंग करते हैं सो जो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सब चीजें इंस्टीट्यूट में होंगी। आपको सीट जो अलॉट हुआ है अगर आप उससे खुश नहीं है, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप अपग्रेड करने का जो ऑप्शन है चुन सकते हैं। अगर आपको जो सीट मिली है आप उससे खुश हैं, आप आगे अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सबमिशन ऑफ द बैलेंस फीस एंड रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कैंपस। तो ये पढ़ सकते हैं, ऑल द एडमिट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट बैलेंस फीस टू कंफर्म देयर एडमिशन। ऑल द कैंडिडेट्स will be required to report to the allotted campus along with all the necessary documents failing which the submission will be cancelled. मैं जो भी इंस्टर आपको अलॉट हुआ है आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो डेट दे रखी है उसमें जाके आपको वहां पर अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करना है। जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको कैरी करना है वो आप पढ़ सकते हैं, 10th 12th की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब जो चीजें हैं वो सब आपको कैरी करनी है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। अगर सीट बच जाती हैं तो सीट जाएंगी स्पॉट राउंड में, और अगर आप सीट फुल हो जाती हैं तो स्पॉट राउंड नहीं होगा। अगर आपने अपना एडमिशन कैंसिल कर लिया है तो जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी, और जो फीस है क्योंकि आपने ऑनलाइन पे की थी तो आपके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ही आ जाएगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। अगर जो विड्रॉल डेट है, विड्रॉल डेट के बाद अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं, आपने एडमिशन अपना कैंसिल करा लिया है और विड्रॉल डेट निकल चुकी है, सो उस केस में
कोई भी फीस रिफंड नहीं की जाएगी, फीस तभी रिफंड की जाएगी जब तक कि डेट अलॉटेड है। मीन्स लाइक एक पर्टिकुलर डेट दे दी गई कि इस डेट से पहले पहले अगर आपने एडमिशन कैंसिल के लिए अप्लाई किया है तो आपको जो सारी फीस है वो रिफंड हो जाएगी। एक पर्टिकुलर डेट के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं रिफंड के लिए, अपना एडमिशन जो है कैंसिल कराते हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको रिफंड मिल जाए, सो एक पर्टिकुलर डेट होगी जो कि प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगी, उस डेट के बाद जो रिफंड है वो नहीं आएगा। सो दिस इज अबाउट द डिप्लोमा प्रोग्राम्स दैट इज ऑफर्ड बाय द दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। जो डिटेल्स हैं सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स की वो हमने देखी इसमें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और DSEU से डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, आप उसमें जो माइंड मेकअप है अपना वो कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, इफ सो देन सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।